Hello, I am Vivek Kumar. I am on the board of trustee of Heart Care Foundation of India. Here we have with us Dr. KK Agarwal, who is the chairman of Heart Care Foundation of India. And we are now going to discuss on the new Perfect Health Mela, which jo hum log kya aa raha hai 18, 19, 20 October ko. And it is all under his leadership we are going to have this Perfect Health Mela. So Dr. Saab, aap bataiye ab is baar ka Perfect Health Mela ka aapka motto kya hai, and how do you plan to make it a mega success the way it has always been in the past? Basic ye hamara hai Fit India. Abhi 2 October mein hum logon ne plogging concept ke upar mein sarkar ke sath kaam kiya, sports ministry ke sath mein ji, aur ek naya concept lekar aaye ki plogging is better than walking ji. Yani ki walking karte karte agar aap बैठ के स्क्वैट करके सामान उठाते हो तो दो एक्सरसाइज इकट्ठी कर रहे हो, और उसको हमने प्लास्टिक से जोड़ दिया, जो एक सक्सेसफुल मूवमेंट पूरे इंडिया के अंदर है। उसी को जोड़ते हुए हम ले जा रहे हैं फिट दिल्ली फिट इंडिया जी। और अगर मेरे को फिटनेस चाहिए तो मेरे को समझना चाहिए फिटनेस क्या है। फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि आप बीमार नहीं हो, आप बीमार भी हो सकते हो, आप ब्लड प्रेशर, डायबिटिक, ओबेसिटी, हार्ट मरीज, बाईपास आपका हो चुका है, कैंसर के मरीज भी हो सकते हो, फिर भी आप फिट हो सकते हो। So fitness is your mental and physical fitness is physical exercise and mental relaxation. So how fit are you is how खुश are you, how happy are you, and how fit are you. उसका हमारा simple criteria है, अगर आप 500 मीटर 6 मिनट में चल सकते हो, 500 नहीं चल सकते तो 400 से ज्यादा चल सकते हो तो आप फिट हो, 200 मीटर से कम चलते हो 6 मिनट में तो आप फिट नहीं हो, और 200 से 400 मीटर के बीच में चलते हो तो आपको फर्दर फिटनेस की जरूरत है। आप फिटनेस प्रोग्राम में करिए, धीरे धीरे चलना चालू करिए, ज्यादा चलिए, एक्सरसाइज करिए, तो प्लॉगिंग करिए, तो फिटनेस से हमने प्लॉगिंग को जोड़ दिया। ये हमारा इस साल का मेन उद्देश्य है। यूथ, बाकी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एग्जीबिशंस होती हैं, चेकअप्स होते हैं हमारे यहाँ पे, इंफोटेनमेंट होता है, इवन फैशन शो होता है, वो तो हर साल होता है, बट इस साल फूड फेस्टिवल हमारा प्रेडोमिनेंट होगा। इस साल हमारा फिटनेस के ऊपर में हम कोशिश कर रहे हैं कि 500 साइकिल वाले उस दिन मेले से पहले कम से कम 2 किलोमीटर साइकिलिंग करें। उसके लिए हमने हीरो साइकिल वालों से भी बात करी है और लोगों से भी हम बातचीत कर रहे हैं, ताकि लोग इसको साइकिलिंग से, प्लॉगिंग से कंसर्न कर सके। फूड फेस्टिवल के लिए हमने इम्परफेक्टो को बुलाया, हाइजीन के बारे में फेना डिटर्जेंट से बात करी हमने कि भाई आप हाइजीन के बारे में पूरा वहाँ पे बात करो। करियर काउंसलिंग के लिए हमने अंसल्स यूनिवर्सिटी को बुलाया कि आप जाके वहाँ पे करियर काउंसलिंग के बारे में बात करो। इस प्रकार से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हम बात कर रहे हैं कि आप साइंस बिहाइंड मिरेकल्स की बात करो। वहाँ पे जो है अब लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, तो जियो शालूवालिया से बात करी हमने, वो परफॉर्म कर रहे हैं, शिवानी कश्यप परफॉर्म कर रही है वहाँ पे, लोक उत्सव वाले वहाँ पे दांडिया का प्रेडोमिनेंट कर रहे हैं, तो हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ ना कुछ होगा, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है मिलेगा। ओके, तो अगर हाउ, अगर कोई आता है, हाउ विल ही गेट बेटर अवेयरनेस ऑफ हिज हेल्थ बाय कमिंग टू द मेला? सी देखिए, आपके पास में सारे सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है, हाँ, आप वहाँ पे चेकअप करा सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं, समझ सकते हैं कि आयुर्वेद का क्या मतलब है, होम्योपैथी का क्या मतलब है, नेचुरोपैथी का क्या मतलब है। आपने कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करना है, कंपटीशंस में करिए, आपने टेस्ट कराने हैं तो टेस्ट कराइए। हम श्री अरुण जेटली जी की स्मृति में 1000 HbA1c टेस्ट, जिससे ये पता लगता है कि डायबिटीज है कि नहीं है, तो कंट्रोल है कि नहीं है, ये हम मुफ्त कर रहे हैं वहाँ पे लोगों को। उसके साथ में जितने लोगों ने ECG कराने हैं ECG कराइए, ब्लड प्रेशर चेकअप कराने हैं ब्लड प्रेशर चेक कराइए, लंग फंक्शंस कराना है, 6 मिनट वॉक टेस्ट हम सब लोगों का कर रहे हैं, हाउ फिट आर यू, एक सर्वे कर रहे हैं हाउ हैप्पी आर यू, हैप्पीनेस इंडेक्स का वो भी निकल आएगा कि सोसाइटी में लोग कितने हैप्पी हैं, डाटा भी निकल के आएगा। इसके साथ में 4000 से ज्यादा नर्सेस, 4000 से ज्यादा बच्चे, 4000 से ज्यादा यूथ, करीबन 20-25 हजार लोग 3 दिन में आके इसका फायदा उठा लेंगे। अब सीजन आ रहा है, आपको पता लगाना है कि डेंगू को कैसे पता पकड़ते हैं, वो भी वहाँ पे डिस्प्ले के लिए होगा। नई नई बीमारियां कौन सी आ रही हैं, कौन से वैक्सीन लगवाऊं, कौन से वैक्सीन ना लगवाऊं, तो हर प्रकार की जानकारी के लिए यहाँ पे आप आ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आना निःशुल्क है,
दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो कि मेट्रो से कनेक्टेड है, आप ये भी नहीं कह सकते जी आ नहीं सकते, टैक्सी करनी पड़ती है, आप मेट्रो से उतरिए, मेले के अंदर में घुसिए, उसके साथ में अपना खाना ले आइए, नहीं तो वहाँ पे इम्परफेक्टो द्वारा अच्छा खाना है स्टैंडर्ड का, आप खाना खरीदिए और मेले को एंजॉय करिए। वेरी नाइस। तो अगर यूथ अपने पेरेंट्स को लाना चाहे और चेकअप कराना चाहे तो उनके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन है। जी हाँ, हर एक चीज के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ इंतजाम है। आप आइए, घूमिए, चेकअप कराइए, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो एंटरटेनमेंट है, आपको वीआईपी से मिलना है आपको बहुत सारे वीआईपी भी मिलेंगे जी। अब हम मोस्ट लाइकली दिल्ली के मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भारत सरकार के भी आएंगे, सब प्रकार के लोगों को यहाँ पर आपको आप बातचीत कर सकते हैं और मेले का लुत्फ उठा सकते हैं। याद रखिए इन्फोटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के माध्यम से आपने सीखना स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना एक एक सेंटेंस के अंदर, वो इसका बेसिक उद्देश्य है। तो हमारे ख्याल से आपको नहीं लगता है कि दिल्ली के हर सिटीजन माने एक हर परिवार से एक एक सदस्य को आके इस मेले में आके उनको हेल्थ अवेयरनेस करनी सीखनी चाहिए और उस नॉलेज से वो परिवार में उसको माने उस नॉलेज को बढ़ावा दे सकते हैं। जी हाँ, इम्पोर्टेंट सेशंस को हम लाइव वेबकास्ट भी करेंगे, लोग घर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, सारे स्पिरिचुअल गुरुज आ रहे हैं वो भी बातचीत करेंगे फिटनेस के बारे में, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। तो बेसिक आइडिया यही है कि पब्लिक को आना चाहिए, इसके बारे में स्प्रेड करें, एक फ्री इवेंट है, साल में एक बार होता है और सब लोग इसका आनंद जरूर उठाएं। थैंक यू सो मच। सो हमारे व्यूअर्स, अगर आपको लगे कि आप इस मेले में आएंगे तो जरूर देखिए इस प्रोग्राम को और फॉरवर्ड करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आ सकें। थैंक यू।